नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, लिंक और दूसरे क्वाइंस पर कैसे करें ट्रेड, क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। क्रिप्टो लाइव ये हमारी खास पेशकश है जिसमें हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बातचीत करते हैं और हमको बहुत खुशी है कि जो नई यंग जनरेशन की ये करेंसी है बिल्कुल ही नया तरह का ट्रेड है, नया तरह का सेटअप है। जैसे हम कई बार कह चुके हैं इसमें जो सबसे पुराना कॉइन है और सबसे बड़ा कॉइन है बिटकॉइन, उसकी उम्र ही 10 साल है, 10 से 12 साल है। तो आप ये बात मान के चलिए कि कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 1-1, 2-2 साल है। हम बहुत इस मामले में फॉर्चुनेट भी हैं कि एक ऐसे युग को अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं जो आगे चल के एक बहुत बड़ा एक एम्पायर बन सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने इसको एज अ रेगुलर करेंसी मानना शुरू कर दिया। जो पहले ब्लॉकचेन्स को लेकर थोड़े क्वेश्चंस उठते थे कि इनक्रप्टेड है, पता नहीं लगेगा, ये तो ब्लैक मनी का एक साधन बन गया है, ये बहुत हद तक इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, वो सोच अब धीरे धीरे करके काफी हद तक बदली है। और अब देश के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल जायंट्स, बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स अब इस चीज के लिए राजी हो रहे हैं कि नहीं, ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन्स और इसके बदौलत बहुत अच्छे से हम कुछ कॉइन्स को और सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने अपनी स्क्रीन को किया हुआ है शेयर और इसमें आप देखेंगे बिटकॉइन के अंदर जो मार्केट का मोमेंटम है, रिदम है, वो आज भी कंटिन्यू है और इस समय भी आप अच्छा से एक मूवमेंट देख पा रहे हैं। मैं काम करता हूं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं और ये जो मोमेंटम कल भी आपको जो नोटिस करवा रहे थे अभी भी जस का तस बना हुआ है। हालांकि सब लोगों का कहना था कि दिसंबर हो सकता है ठंडा महीना हो क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल एफआईएस जो है उन क्रिसमस की छुट्टियों के कारण चले जाते हैं। यूरोप सबसे बड़ा एक गढ़ है इसका, वहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन हमारा ऐसा मानना था कि अब नॉर्मल ईयर है तो हमको लगता है कि शायद इस बार ये कुछ ज्यादा ही और अच्छे से चलता हुआ दिख सकता है हमको और मार्केट के अंदर मोमेंटम दिखाएगा। बैक टू बैक दो तीन बड़े गैप आए हुए हैं, इस गैप को जब तक भरेगा नहीं तब तक ये इसी तरह से ड्रैग, जिसको हम कहते हैं खींचना, ये लगातार खींचता हुआ अपने साथ ऊपर लिए जाएगा। कल भी हम चर्चा कर रहे थे दो खास मेहमानों से, आज भी उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ फिर से समरवीर जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और कल भी हमने इनसे बहुत अच्छे से आइडिया लिया था और आज मेरे साथ अतीक फारूकी भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत एक बार हम करने वाले हैं और उनसे भी हम आइडिया लेंगे कि हाँ इस समय हमको क्या करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। पहले समर के पास आते हैं। समर, मार्केट तो अच्छा चल ही रहा है, अभी तो रुक नहीं रहा। जैसे हम कल भी बातचीत कर रहे थे बिटकॉइन की और इथेरियम की भी हम कल बातचीत कर रहे थे, तो एक बार बिटकॉइन को लेकर कोई और अपडेट, कोई और खबर? मैं एक खबर आपसे एक्चुअली पता भी करना चाहता था। कल अखबारों में एक खबर छपी है जो हम पहले से ही कई बता रहे हैं कि बजट में इस बार कुछ ना कुछ आ सकता है, सरकार सोच रही है। कल खबर यही कि सरकार 18% का टैक्स लगाने का सोच रही है कि बिटकॉइन की 18% का जीएसटी लगाया जाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस खबर को आप कैसे देखेंगे? एक्चुअल में सर, अगर गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल, सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट प्लान कर भी रही है इसको जीएसटी के अंडर में लेने के लिए तो काफी ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी और अभी तक जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज भी थी तो वो भी अभी तक क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर नहीं पाई अभी तक किसी भी फुल फॉर्म में। सो बेसिकली मतलब फ्यूचर में अगर ये प्लान कर रहे हैं तो काफी ज्यादा अभी भी मतलब गवर्नमेंट को इस फील्ड में देखने की जरूरत है, कंसीडर करने की जरूरत है कि क्या है एक्चुअल में, टेक्नोलॉजी वर्क कैसे कर रही है, उसके बाद से ही कर रहे हैं मतलब कर सकते हैं। तो नहीं लग रहा कि इस बजट में ये कुछ नया अपडेट आएगा, बट देन अगेन कि जैसे जैसे ये डेवलप कंट्रीज हैं यूएस यूके, जैसे जैसे ये रेगुलेशन आएगा तो इंडिया मेरे हिसाब से उनको फॉलो अप करके कुछ रेगुलेशन लेके आ सकता। बट करंटली जो बिटकॉइन का स्टेटस चल रहा है, बिटकॉइन अभी जस्ट आपसे बात करते ही जैसे शो स्टार्ट हुआ था तो बिटकॉइन अभी जस्ट नया हाई अभी बनाया, ऑल टाइम हाई 28,400 समथिंग का। सो दैट्स इट। और बाकी जो रेगुलेशंस और अभी मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीज को आने में, खास करके इंडिया में।
तो समर आप इसको इस तरह से नहीं देखते कि अगर सरकार को 18% जीएसटी लेना है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न से 18% जीएसटी लगाओ क्योंकि अच्छा रिटर्न तो मिल ही रहा है। तो ये किसी के मन में ऐसा वहम ना रहे कि देखो हम तो एसेट क्लास है, हमारे पर तो एसटीडी भी लगाते हो, सीटीटी भी लगाते हो और भी अलग तरह के टैक्सेस लगाते हो, तो ये बिटकॉइन वालों को क्यों आप नहीं करते ना आप तो इनके सर, लेकिन ये भी तो है ना समर, तो फिर अगर 18% का जीएसटी अगर गवर्नमेंट ले रही है तो आपको सारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स देना शुरू कर देगी जो और सबको भी मिलते हैं, जैसे कि आपके लिटिगेशन की प्रोसेस सॉल्व कैसे होगी, आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दे सकती है, आपसे 18% लेगी तो आपके फाइनेंशियल्स को कैसे बचाया जाए ये दे सकती है, आपकी ई गवर्नेंस को अच्छा कर सकती है, भारत में ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है। 18% जीएसटी कम नहीं होता, आप थर्ड ब्रैकेट के अंदर हो आप। सर एक्चुअल में इश्यू ये है कि आई मीन क्रिप्टो की जो टेक्नोलॉजी है पीयर टू पीयर जो इसका बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो अभी गवर्नमेंट मतलब इसको ना सिक्योरिटी की फॉर्म में मतलब अभी तक लेती है ना ही किसी और ब्रैकेट में डालती है, तो अभी तक इसको रेगुलेट करना उतना इजी नहीं है। ऑब्वियसली इसके पर्क्स होंगे, जैसे ही गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करती है 18% जीएसटी आता है, ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स होंगे जैसे आपने बताया, बट मतलब जो मेन बेनिफिट होना चाहिए कॉमन रिटेलर रिटेल इन्वेस्टर्स को वो उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। कीजिएगा मेरा माइक बंद था, तो एक बार जपनीत जी भी मेरे साथ हैं, मैं एक बार उनसे भी कनेक्ट होता हूं और एक बार जरा उनसे भी एक व्यू लेते हैं कि एक्चुअली ये 18% की जो बातचीत चल रही है ये इसको हम किस तरह से देखें। जपनीत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल समय देने के लिए, एंड पहले तो मैं आपको दोनों को पहले तो विश कर दूं नए साल के लिए, क्योंकि आज 30 तारीख है तो कल 31 है और उसके बाद फिर हम नए साल की तरफ आ जाएंगे, तो आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर। 2020 मेरे को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी वाले ये सोच रहे होंगे, जो देखा है वो मेरे को भी लगता है उसके अंदर शायद किसी ने देखा हो और सभी सभी तरह के कॉइन्स को चलना, टिपिकली सालों साल के अंदर भी एक गर्मी आ गई, हालांकि रिपल के अंदर कुछ नेगेटिविटी आई बाद में, कल जगह में एक्सचेंज भी आ गया, ट्रेड भी बंद होने लगा तो वो 31% फॉल भी हो गया था, मैं उसकी भी बातचीत करूंगा कि इस तरह के ब्लिप्स क्यों आ रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन पहले जपनीत शुक्रिया समय देने के लिए, देखिए 18% की बात हो रही है कि हम जीएसटी लगा देंगे, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो आप बिटकॉइन की इनकम के? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, जीएसटी लगाना कुछ गलत चीज नहीं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा कि ये एक एसेट क्लास है और जीएसटी लगाने के बाद ये एक तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, गवर्नमेंट इसको माने कि एक एसेट क्लास है, और अभी तक जो गवर्नमेंट का एक व्यू था कि ये एक तरीके से मैनिपुलेट करके लोग अपने प्रॉफिट बनाने के लिए या ब्लैक मार्केट में इसका यूज कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से एक रेगुलेशन में आ जाएगा जो एक क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी और ज्यादा बूम कर सकता है, मेरा ये मानना है। तो जपनीत इसको मैं ऐसा मान सकता हूं कि सरकार इनडायरेक्टली एक्सेप्टेंस ले लेगी कि भारत के अंदर बिटकॉइन और फ्लरिश होगा, मैं इसको इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की हाँ मानूं कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट एक तरीके से एक ये रेगुलेट करने के बाद ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट ये मान रही है कि यस ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक एसेट क्लास है जो लोगों को ये यूज करने के लिए फिर एक तरीके से प्रोत्साहित करेगी कि यस यू कैन यूज इट, और ये एक तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा समर, इसके अंदर कि अगर हम थोड़ा और लिटिगेशन पे जाना चाहें, ये सिर्फ बिटकॉइन ट्रेड के ऊपर 18% जीएसटी लगाना चाहती है, किसी भी तरह के कॉइन्स के ऊपर, आइदर नॉन बिटकॉइन्स के ऊपर भी वो लगाना चाहती है? एक्चुअली सर जो टेक्नोलॉजी है वो तो ऑलमोस्ट सभी कॉइन्स में सेम ही है, डिसेंट्रलाइजेशन और ये सब तो सब में है ही, तो मेरे हिसाब से अकेला बिटकॉइन की ट्रेडिंग के ऊपर जीएसटी तो नहीं लगेगा। ऑब्वियसली जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स पे ट्रेडिंग होती है, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जितनी भी ट्रेडिंग होती है तो उस पे जीएसटी लगेगा, बट सिर्फ बिटकॉइन को लगाना इज नॉट आई थिंक अ गुड आइडिया ऑब्वियसली, और बाकी सारी भी करेंसीज हैं और उनकी भी धीरे धीरे मार्केट कैप और साइज उनका भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे यूज केसेस उनके एमर्ज होंगे इन द कमिंग फ्यूचर, सो उनको भी लगाना, उनका भी मतलब ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज की जो भी ट्रेडिंग होगी
उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जहां तक ये न्यूज का सवाल है। ठीक है। अच्छा समर, एक चीज आपसे और जरा पता करनी थी कि ये अगर 18% सरकार जीएसटी कर देती है, इसको इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको असेट क्लास मान लेगी एक किस्म से, तो क्या भारतीय बैंक, भारत के बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज, जायंट कॉर्पोरेट्स, क्या ऑफिशियली भी ये कह देंगे कि हाँ हम ठीक है, हम कुछ अपना असेट्स को जो है बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे और देशों में होता है, और देशों में ऑफिशियली है कि हमने अपने 10% टोटल असेट्स को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया, क्या इंडिया में भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने लगेगा कि इस दिन बिरला साहब आए और कहें कि हाँ मैंने अपनी 5% टोटल असेट वैल्यू को कर दिया, किस दिन टाटा ग्रुप निकल के आया, मैंने अपने 3% टोटल असेट वैल्यू को कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया, या कोई बैंक आए, SBI आए, वो कहेंगे हम ठीक है बॉन्ड्स में पैसा नहीं डाल रहे, हमको ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड्स से ज्यादा अच्छा है तो बिटकॉइन, हम बिटकॉइन के अंदर चले जाते हैं, ये ऑफिशियली भी होने लगेगा ये 2021 के अंदर? डेफिनेटली सर, अगर ये रेगुलेशन होता है और सही तरीके से होता है, गवर्नमेंट अगर सही इम्प्लीमेंटेशन लेके आती है इस सेक्टर के लिए, तो डेफिनेटली आई मीन सबसे जो स्टार्टिंग बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, और अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन ले आती है इसमें, तो काफी मेरे हिसाब से जैसे अपन US और UK के जो फंड्स हैं, बैंकिंग जो जायंट्स हैं, जैसे वो इन्वेस्ट अभी स्टार्ट कर चुके हैं ना, तो वैसे ही डेफिनेटली आई मीन आप देखो ना कि जितने भी असेट क्लास थे 2020 में, उसको मतलब क्रिप्टो आई मीन बिटकॉइन इथेरियम बहुत अच्छे तरीके से ओवर पावर करा है। तो ऑब्वियसली जैसे ये रेगुलेटेड होगा, अभी थोड़ा सा डिफेंसिव है अपने जो फंड्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में करके, बट जैसे ही रेगुलेशन इसमें एंटर होगा, मतलब ऑब्वियसली जो ये जॉइंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये क्रिप्टो मार्केट में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। अभी इंडिया की तरफ से कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अभी स्टार्ट नहीं करा, बट मेरे हिसाब से जो ये वाला स्टेप है, तो ये उनको भी टारगेट, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्लान होगा कि ये उनको भी टारगेट करने के लिए, तो वो ये रेगुलेशन ला रहे हैं। सो डेफिनेटली आई मीन जैसे ये GST या मतलब रेगुलेशन के अंडर आता है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर होंगे इसमें। ठीक है, डन। अच्छा मैं आता बिल्कुल हार्डकोर ट्रेडिंग पे, ये मैक्रो लेवल की चर्चा हुई है, अब मैं समर एक बार आप जरा ये देखिएगा, इथेरियम का चार्ट मैंने USDT फॉर्म में लगा रखा है, इसमें बुलिंगर बैंड है, कुछ टेक्निकल ब्रेकआउट्स हैं जो टिपिकली हमको मिल ही रहे हैं। मैं कल हम 10,000 की SIP शुरू करने की बात बोल रहे थे, मैं अगर 10,000 की SIP शुरू कर रहा हूँ, तो आपने कहा पहले BTC में शुरू करो आप, हाँ, अगर मैं किसी को घर में से किसी एक और मेंबर की भी एक और SIP शुरू करना चाहता हूँ, क्यों क्या मैं थोड़ा हेज करने के लिए इथेरियम में डाल दूं क्या, या फिर दोनों ही हाई बीटा हैं, या दोनों ही मार्केट लीडर्स हैं, इनके साथ में से एक में रहूं और एक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन कमाने के लिए, जैसे रिपल के अंदर हुआ कुछ दिन पहले तक, वो एकदम से 20-25 रुपए का कॉइन 50 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऐसे किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर थोड़ा पैसा, एक SIP ऑल्ट कॉइन का भी डाल दो, तो मैं स्मॉल कैप और लार्ज कैप दोनों का कॉम्बो रख लूंगा। सर आफ्टर बिटकॉइन बेसिकली जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो इथेरियम ही है, क्योंकि अगर अपन फंडामेंटल पैरामीटर चेक करें इथेरियम के, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आई मीन करंटली कोई भी ऐसी ब्लॉकचेन नेटवर्क नहीं है अभी जिसमें 3000 प्लस डैप्स हो, बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हो, तो जो यूज केसेस हैं, और अगर आप DeFi की देखें, जो DeFi इस बार 2020 में काफी ज्यादा बूम में आया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस 2021 में भी काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। और जितने भी अपन बात करें प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे यूनिस्वाप, सुशीस्वाप, जितने भी बेसिकली डेक्सेस हैं, लैंडिंग एंड बोरिंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो मोस्टली जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे ही है। अभी जो मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे ही है, तो ऑब्वियसली आई मीन जो नेक्स्ट ऑप्शन होगी, जो आपके लिए सबसे सेफेस्ट बेट होनी चाहिए क्रिप्टो एसेट वर्ल्ड में आफ्टर बिटकॉइन, इज इथेरियम। अभी भी आई मीन जो ट्रांजैक्शन वैल्यूज हैं, ट्रांजैक्शन डाटा आ रहा है, ऑन चेन पैरामीटर्स जितने भी हैं, एक्टिव यूजर्स जो हैं, एक्टिव वॉलेट्स जो हैं, और वैसे भी अगर आप बात करें NFT सेक्टर और गेमिंग सेक्टर, तो वो भी काफी ज्यादा बूम में आ रहा है 2020 में। तो मेरे हिसाब से जो मतलब जो नेक्स्ट आपको जो मतलब मैसिव रिटर्न दे सकता है बिटकॉइन की तरह, वो इथेरियम है, और मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम विल बीट बिटकॉइन इन द 2021, बिकॉज़ क्योंकि जो मेन इशू आ रहा था इथेरियम और बिटकॉइन को लेके, वो आ रहा था स्केलेबिलिटी का। आई मीन जो ट्रांजैक्शन फीस पर, गैस फीस पर ट्रांजैक्शन होती है, वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी। तो इथेरियम अभी अपना लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी, लॉन्च पैड जो इनका 2.0 का था, जो स्केलेबिलिटी को ही टारगेट करने के लिए बना है,
तो ऑब्वियसली जब ये स्केलेबिलिटी वाला इश्यू जो है वो रिजोल्व हो गया, जब आई मीन थ्रूपुट इंक्रीज होगी बेसिकली किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क की, और जितना अभी तक एक्सपेंशन इथेरियम की ब्लॉकचेन के उसका उतना किसी भी कॉम्पिटिशन किसी भी चेन का नहीं है अभी. सो स्केलेबिलिटी वाला इश्यू अगर रिजोल्व होता है 2021 और 2022 में टारगेट है जैसे इनके रोड मैप के अकॉर्डिंग, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली इथेरियम की तरफ से ही इथेरियम मोस्ट प्रॉब्ली आई मीन आउटबीट कर देगा बिटकॉइन को. माइक बंद था तो मैं कुछ चीजें नेटवर्क है लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे. ठीक है, ये इथेरियम का जाता. अच्छा मैं समर एक चीज छोटी सी चीज आपसे और मेरे को पता करनी थी. यस सर. काफी हद तक ना फुल्का डॉट की भी बातचीत हो रही है कि ये फुल्का डॉट भी इस समय 2021 का अच्छा क्वाइन हो सकता है. हमने एक स्पेशल शो रिकॉर्ड किया था उसको लेकर फुल्का डॉट की बातचीत हुई थी, तो मेरा आपका व्यू फुल्का डॉट को लेकर. सर एक्चुअल में अगर अपन आई मीन मैक्रो लेवल्स की बात करें ना, तो अभी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में जो मेन इशू चल रहा है वो स्केलेबिलिटी का चल रहा है. तो जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क अपना पोलकाडॉट हो गया, मैटिक नेटवर्क हो गया, तो इनने जो मेन चीज को टारगेट करा वो स्केलेबिलिटी को ही करा. और इथेरियम के बाद से जो भी आई मीन जो NFT सेक्टर या डीफाई की जो भी एप्लीकेशंस आ रही हैं किसी भी ब्लॉकचेन, अगर वो सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं इथेरियम को हटा के, तो वो मोस्ट आई मीन जो मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट है वो इस टाइम पोलकाडॉट और मैटिक नेटवर्क ही है अगर अपन बात करें. तो बेसिकली पोलकाडॉट ने बहुत अच्छे तरीके से स्केलेबिलिटी वाले इश्यू को रिजोल्व करा है. और आप देखिए कल परसों की न्यूज थी, बाइनेंस जो अपनी एक्सचेंज है उनने भी एक नया फंड अभी लॉन्च करा है 10 मिलियन फंड का, जो भी एप्लीकेशन बनेंगी पोलकाडॉट नेटवर्क के ऊपर. तो काफी एक ये बड़ा स्टेप है क्योंकि आई मीन जो जितने भी ये ग्रोथ होगी अब बेसिकली क्रिप्टो वाली मार्केट्स में, तो वो डीफाई सेक्टर में आ सकती है, एनएफटी सेक्टर में आ सकती है, या गेमिंग सेक्टर में आ सकती है. तो ये अगर नई वाली एप्लीकेशंस जितनी भी हैं पोलकाडॉट पे आती हैं तो काफी ज्यादा आई मीन इथेरियम के बाद जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो पोलकाडॉट नेटवर्क रहेगा. और पोलकाडॉट की जो टीम है, जो उनकी कोर टीम है, वो इथेरियम की काफी जो डेवलपर्स थे तो वहीं से ही उनने अपना एक नया नेटवर्क शुरू करा पोलकाडॉट. सो काफी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, काफी अच्छा इनके ऊपर ट्रैक्शन हुआ ये लास्ट क्वार्टर के उसके हिसाब से. तो मेरे हिसाब से पोलकाडॉट इज आल्सो अ गुड बेट फॉर फ्यूचर. ठीक है. अदर देन दिस मैटिक नेटवर्क भी थोड़ा पॉजिटिव दिखा सकता है और कार्डनो भी थोड़ा पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि कार्डनो ने भी अभी नया एक उनके रोड मैप के अकॉर्डिंग अभी डैप्स उस पर बननी स्टार्ट हो गई है और मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में उस पर फर्स्ट डैप आ जाएगी. तो अगर ये सक्सेसफुल रहता है ऑपरेशंस तो दूसरी जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं तो वो पोलकाडॉट, मैटिक और कार्डनो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं इन द फ्यूचर. ठीक है, डन. जपनीत भी हमारे साथ हैं. जपनीत, हमने ना मैटिक का चार्जर आपके सामने रखा है, ये USDT के अंदर है, 0.18 के आसपास चल रहा है, तो एक बार आप इसको देखिए और मैटिक के ऊपर अगर आपकी स्टडी है तो आपका इसका व्यू पॉइंट क्या है, इसमें हमको क्या करना चाहिए. एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, टिपिकली मैटिक्स को या फिर इस तरह की कुछ ऑल्ट कॉइन्स को या किस तरह के और इस तरह के जो कॉइन्स पता है इसको लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं होती. आप ढूंढेंगे ना तो बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. जरा मैं आपसे मैटिक पॉइंट पता करना चाहता हूँ.
मैटिक एक सेकंड लेयर प्रोटोकॉल है जो इथेरियम पे ही बना है, और ये स्केलेबिलिटी का जो इशू है इथेरियम का उसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करता है। थ्रोपुट इसका बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही मिनिमल ट्रांजेक्शन फीस लेके अपना मतलब ट्रांजेक्शन को वो कर देता है। अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट्स को हम लोग देखते हैं तो ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। अगर हम ये हाइस को मिलेंगे जिसका अगर ये ब्रेकआउट ऊपर जिसका अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये अभी यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट कर रहा है अबाउट 50 और 200 मूविंग एवरेज पे, इसको अगर ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर ये बहुत ही अच्छे लेवल्स ऊपर जहाँ से ये शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ तक के हमें हमारी मेरी आवाज़ में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से आ रही होगी। लेकिन ये जो अभी आप चार्ट इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टिपिकली डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का ये साइडवेज कंसोलिडेशन है, इसका एक ब्रेकआउट चाहिए। वो ब्रेकआउट जपनीत आप यही कह रहे हैं कि यही ब्रेकआउट आपको चाहिए होगा जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, इसका ब्रेकआउट चाहिए। एक ये ब्रेकआउट अगर आता है और अगर ये ऊपर कंसोलिडेट करता है तो फिर ये एक अच्छा पोटेंशियल कॉइन ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके ऊपर भी डैप्स बन रहे हैं और जो इसका फंडामेंटल है ये बहुत ही अमेजिंग है, और ये मतलब इथेरियम के बाद सबसे ज़्यादा एक तरीके से सेकंड लेयर प्रोटोकॉल जो फेमस है इस टाइम क्रिप्टो स्पेस में वो एक मैटिक उनमें से एक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो आप मैटिक को इसी लेवल्स पे एंटर करने की राय दोगे या फिर आप ये कहोगे कि एक बार ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद इसके अंदर एंटर किया जाए? नहीं नहीं, कंफर्मेशन हो जाने के बाद जब एक बार ये थोड़ा कंसोलिडेट भी कर ले उसके बाद जब ये दोबारा से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होता है तब मेरी राय रहेगी कि हम लोग ले सकते हैं उस लेवल्स पे। ठीक है, कल ना काफी सारे ठीक से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने काफी सारे कॉइन्स बताए, हमने तो कल एक यूट्यूब में वीडियो भी डाल दिया कि 5 ऐसे कॉइन्स है 2021 के अंदर अच्छा दे सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं। उन्होंने कहा BTC, इथेरियम, BNB, कोटी और एक यानकार। तो ये उनके 5 कॉइन्स थे। तो इनके अलावा आपके पास कोई कॉइन है जपनी जो आप और एड ऑन करना चाहते हैं, इन पांचों को एंडोर्स करेंगे आप, BTC, इथेरियम, BNB और यान? ये पांचों अभी तक के बेस्ट कॉइन है और मैं इनके साथ ही मतलब अपनी राय इनसे सहमत रखता हूँ और इनके साथ ही जाना चाहूंगा। अच्छा, आप मनेरो भी नहीं जोड़ोगे, आप लिंक भी नहीं जोड़ना चाहते, आप ऐसा और कोई कॉइन नहीं जोड़ना चाहते? मोनेरो क्योंकि एक प्राइवेसी कॉइन है तो उसमें वो रेगुलेशन का और वो वाला इशू अलग है, तो ये एक थोड़ा मतलब उसके लिए अभी ये निगेटिव है क्योंकि वो ब्लैक मार्केट में और इन सब चीज़ों में उसका यूज होने का ज़्यादा चांस है। और लिंक एक ओरेकल है जो अभी जिस टाइम इसके पार्टनरशिप्स अच्छे हो रहे हैं और ये भी एक इसके अंदर भी फ्यूचर पोटेंशियल है, लेकिन अभी करंट लेवल पे थोड़ा वेट करना चाहिए। समर, ये जो रिपल को लेकर अभी ये लिटिगेशन हुआ सी हुआ और बाद में अब सफाई में कई एक्सचेंजेस उसको अपने आप में ट्रेडिंग भी हॉल्ट करवा रहे हैं, तो ये इस तरह की नेगेटिविटी तो पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है कि उनकी कंपनीज को इस तरह से किसी और बाद में ट्रेड हॉल्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि एट द वेरी लास्ट मरेगा इन्वेस्टर्स और तो कोई नहीं जा रहा है ना, क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो एक बार जरा रिपल के पूरे केस के ऊपर आपका तो व्यू पॉइंट क्या है, स्टैंड क्या है, और आपको लग रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम सेटल डाउन हो जाएगी, डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी जल्दी? आई मीन सर, जो कोर फंक्शनिंग है ना रिपल की वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज है। आई मीन जो इनके फाउंडर्स हैं और जिनकी की टीम है उनके पास काफी ज्यादा, आई मीन मोर देन 50% 55% जो XRP की होल्डिंग है वो टीम और कोर टीम के पास ही है रिपल की। तो इनका जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन SEC के जो ये लेंस के अंडर आया, उसका मेन कारण ये था कि ये जो भी XRP की इनके पास होल्डिंग्स थी तो ये काफी टाइम के लिए उसको यूज करके पब्लिक सेल करके उसको काफी ज्यादा सेल कर रहे थे और फालतू में मतलब जो वैल्यू थी मतलब रिपल की वो इन्फ्लेट कर रहे थे, मतलब उसको उसके जो फंड्स थे जो बेसिकली उसके जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी उनके प्रॉफिट में जाने चाहिए थे। तो XRP टीम क्या कर रही थी कि वो XRP की जितनी भी होल्डिंग थी उनके पास उनको वो सेल करके तो वो अपना प्रॉफिट बना रही थी। तो अगर ये अभी SEC के अंडर लेंस के अंडर आया है और अगर ये केस कंटिन्यू होता है और मतलब मोस्ट प्रॉबली इसका जो
इम्पैक्ट आएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के लिए, बट जो कोर फंक्शनिंग है रिपल की वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, और मतलब जो मेन जो क्रिप्टो का आई मीन प्रिंसिपल है डिसेंट्रलाइज्ड, उसको ऑफेंड करता है ये वाली चीज, सेंट्रलाइज्ड इशू। ये वाला इशू ये फर्स्ट टाइम नहीं है रिपल के ऊपर, ये 2016 2017 से अभी तक ये फोर्थ केस है जो सेम चीज को टारगेट करा गया। पहले जापान में भी एक उनके ऊपर केस हुआ था, अभी यूएस में भी 2018 के टाइम पे भी दोबारा केस हुआ था। तो ये बार बार जो इशू आ रहा है वो सेम चीज को ही लेके आ रहा है, जो कि है कि रिपल ये नहीं मानती कि एक्सआरपी जो है वो उनकी सिक्योरिटी टोकन है। मतलब जो वो समझाना चाह रहे हैं कि जितने भी एक्सआरपी होल्डर्स हैं, जिनके पास भी एक्सआरपी की होल्डिंग है, उनका रिपल जो कंपनी है उसमें से कुछ भी शेयर होल्डिंग नहीं है। सो ये सिक्योरिटी टोकन नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं। और जो SEC का मेन इशू आ रहा है वो ये इशू है कि जो रिपल टीम है वो XRP की होल्डिंग्स बार बार सेल करके अपना प्रॉफिट बनाती जा रही है। तो ये वाला इशू मेन है जो बार बार ये XRP, आपने काफी बार भी सुना होगा, हिस्टोरिकल डाटा भी देखें तो ये पहली बार नहीं हुआ रिपल के ऊपर, XRP के ऊपर ये चौथा केस है इसके ऊपर। तो अगर ये अभी जो ये अभी SEC का दोबारा जो केस आया है, तो इस टाइम अगर रिजॉल्व होता है ये केस, अगर आगे बढ़ता है, तो शॉर्ट टर्म में इसका क्रिप्टो करेंसीज को थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर। और अभी के लिए अगर अपन ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो जो XRP टोकन है वो मोस्टली जो 80% एक्सचेंजेस है, बी इट कॉइनबेस, बी इट क्रेकन, बी इट बिटर एक्स ने भी आज इनकी ट्रेडिंग XRP की बैन कर दी है। तो अभी के लिए मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगा कि रिपल अगर 50% या 60% ये लास्ट वीक में डाउनसाइड आ गया तो इसको अपन बाय कर सकते हैं। ये एज अ डिप नहीं है, इसका ये फंडामेंटल इशू है जो काफी टाइम से ये स्टैग्नेंट चल रहा था, काफी टाइम से ये लॉन्ग था। सो बेसिकली अगर ये आता भी है तो अभी मैं किसी को भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दूंगा इस पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये डिप अभी मैं किसको डिप कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ये इसका एक फंडामेंटल फ्लॉ। तो अभी के लिए आप इसमें वेट करें थोड़ा सा, अभी थोड़ा पिक्चर को क्लियर होने दें, उसके बाद से अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या स्टैग्नेशन दिखती है प्राइस में तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू एंटर इन दिस समर। लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी, आपको ऐसा लगता है कि इनकी टीम इस मैटर को रिजोल्व कर लेगी, क्योंकि एक बार दो बार तीन बार आप बता रहे हैं चौथी बार की प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम अगर चौथी बार भी रही और इसको इस तरह की सीवियर पनिशमेंट मिल रही है, तो कहीं ये अभी तो ट्रेडिंग बैन में है, बाद में कॉइन्स को ही ना बैन कर दिया जाए, ऑल टुगेदर इंडस्ट्रीज को बाहर ना निकाल दे। सर एक्चुअल में जो मेन इशू है वो है कि XRP सिक्योरिटी टोकन रिपल का है या नहीं है। सो जो भी SEC भी जो अगर ये किसी भी टोकन को अगर टेस्ट करना हो कि वो सिक्योरिटी टोकन है या यूटिलिटी टोकन है, तो एक टेस्ट होता है हाउ वी टेस्ट, तो वो चीज का यूज करते हैं। तो इस बार भी मोस्ट प्रॉब्ली हाउ वी टेस्ट ही दोबारा होगा रिपल के ऊपर, XRP के ऊपर। तो मैं डेफिनेटली तो नहीं कह सकता कि ये इशू रिजॉल्व किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिवली रिपल की फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, बट जो लास्ट टाइम जापान में भी जो इसका टेस्ट हुआ था हाउ वी टेस्ट, उसमें भी ये मतलब उसको रिपल को जो है XRP को वो सिक्योरिटी टोकन के फॉर्म में नहीं लिया गया था और यूटिलिटी टोकन के फॉर्म में लिया गया था, इसलिए ही काफी मतलब इसकी जो डायरेक्शन रही उसके बाद से पॉजिटिव आ गया था ये। तो अभी भी अपन को अभी क्लियर कट नहीं कह सकते कि ये एज अ सिक्योरिटी टोकन जाएगा या यूटिलिटी टोकन जाएगा, बट जो इसके अभी तक चांसेस लग रहे हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि इसकी ट्रेडिंग मतलब बिल्कुल ही ये बैंक्रप्ट या बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएगा, इसमें वापस पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इनकी जो टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा मतलब वेल अवेलेबल है। तो बेसिकली पॉजिटिव साइड जा सकता है इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर होना चाहिए, उसके बाद से इसमें अपन देख सकते हैं। बट जितने भी ये लास्ट टाइम के इसके ऊपर जितने भी टेस्ट हुए थे, तो उसमें से ये कहीं ना कहीं बच गया था, इसको यूटिलिटी टोकन की फॉर्म में ही देखा जाता है अभी तक। ठीक है, डन, होप करते हैं कि मैटर जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो जाए। जपनीत, एक आखिरी सवाल बस आपसे, से अगर मैं आपके पास आऊं 5 लाख रुपए का, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, 5 लाख रुपए लेके आऊं और अब जपनीत से आपसे कहूं कि आप रिसर्च एनालिस्ट हो, आप ये 5 लाख रुपए पकड़ो और मेरे को पास पैसा लगाओ मेरा मार्केट में, तो आप मैं आपको दो राइडर आपके पहले कार्ड देता हूँ कनेक्शन, वो इथेरियम और BTC, ये दोनों मैंने कार्ड दिए क्योंकि दोनों मेरे को पता है, इसके अलावा तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीसरी प्रेफरेंशियल लिस्ट में क्या होगी, जहां आपको आगे लगेगा कि हाँ यहाँ पे पैसा डाला जा सकता है। ठीक है, आप स्ट्रेट अवे 5 लाख नहीं डालोगे, 2 लाख डालोगे, 3 लाख वॉचिंग में डाल दोगे, देखने के लिए डाल दोगे,
बट स्टेट में तीसरी चॉइस क्या है? दो चॉइस यूनिवर्सल है, बीटीसी और इथेरियम। तीसरी चॉइस जो जिसमें आप अपना कैपिटल का थोड़ा बहुत पार्ट डाल सकते हैं वो होगी पोल्काडॉट। पोल्काडॉट बहुत ही अमेजिंग नेटवर्क है, जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। अभी जो रिसेंट न्यूज आ रही है कि बाइनेंस उसको $100 मिलियन का फंड मिला है अपने इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए। उसका जो इंटरऑपरेबिलिटी का जो सोल्यूशन वो दे रहा है वो पूरी क्रिप्टोकरेंसी को जोड़ देगा एक तरीके से, और वो एक सेंट्रल अपने आप को एक ऐसा वो बना देगा हब जहां से हर एक पूरा का पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑपरेट कर सकता है। यानी कि आप पोल्काडॉट पे तीसरी बेटिंग करने वाले हैं जो कि 2021 का एक बेहतरीन कॉइन साबित हो सकता है। समर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जपनीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने दोनों ने समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और इश्यूज, देखो पता है होता क्या है सर, समर ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, जपनीत आप भी अच्छे से देखते होंगे, अखबार में ना खबर छप जाती है कि 18% जीएसटी लग रहा है बिटकॉइन पे। ये बताएगा कौन कि 18% जीएसटी जो लग रहा है बिटकॉइन पे इसका फायदा है कि नुकसान है? ये हम जैसे लोग तो नहीं बता सकते, तो आप जैसे लोग एक्सपर्ट ही बता सकते। तो ये प्लेटफॉर्म ने इसलिए क्रिएट किया है कि खबर पढ़ो मत, खबर का एनालिसिस भी करो, इसलिए लर्निंग और अर्निंग की यही हमने जगह बनाई है। उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी वापस मुलाकात जरूर होगी। समर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड जपनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी 10 बजे, 10 से 12 होगा मार्केट का शो, फिर आधा घंटा क्रिप्टो का शो।